हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट एक बड़े भाई साहब में अब तक हमने पढ़ा कि बड़े भाई के पुनः फेल हो जाने पर अब वो कुछ नरम हो गए थे और छोटा भाई उसकी मनमानी ज़्यादा बढ़ गई थी। वो अब पहले से ज़्यादा खेलने लगे थे और भाई की ओर उन्होंने ध्यान देना भी कम कर दिया था। अब हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। एक दिन संध्या के समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौआ लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। लेखक कह रहे हैं कि एक दिन शाम के समय मैं हॉस्टल से दूर एक कनकौआ अर्थात एक पतंग लूटने के लिए बेतहाशा बिना कुछ सोचे समझे दौड़ा जा रहा था। आंखें मेरी आसमान की ओर थी और मन उस पथिकगामी आकाश की ओर। लेखक की आंखें आसमान की ओर थी और उनका मन उस पतंग की ओर था जो कि आकाश से कटकर जमीन की ओर जा रही थी, जो मंद गति से झूमती हुई अपने पतन की ओर चली जा रही थी। जो पतंग थी वो आकाश की ओर उड़ी। आकाश में उड़ने के बाद जब वो कट गई तो वापस अपने पतन की ओर जा रही थी। जिस प्रकार से कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो, कि जो पतंग है वह कट पहले तो आसमान में उड़ी, उसके बाद वापस कटकर वापस जमीन पर आ गई। उसी प्रकार से लेखक भी बेतहाशा दौड़े जा रहे थे। उन्हें कोई ध्यान नहीं था कि क्या हो रहा है। बालकों की पूरी सेना लग्गे और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने को दौड़ी। बाकी दूसरे जो बच्चे थे वो भी उस पतंग को लूटने के लिए भागे जा रहे थे। किसी को अपने आगे पीछे की कोई खबर नहीं थी। सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, अर्थात सभी बच्चों का ध्यान केवल और केवल उस पतंग की ओर था, जहां सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम और न ही गाड़ियां। अचानक से भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। लेखक कह रहे हैं कि जब वो पतंग लूटने जा रहे थे तो अचानक से उनकी भाई साहब से मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, गुस्से में बोले, इन बाजारी लड़कों के साथ धैले के कनकोए के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? भाई साहब ने डांटते हुए बोला कि इन बाजारी लड़कों के साथ में तुम थोड़े से पैसों के पतंग के लिए दौड़ते रहते हो, तुम्हें कोई शर्म नहीं आती है क्या? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब तुम नीची कक्षा में नहीं हो बल्कि तुम आठवीं कक्षा में आ गए हो। तुम केवल मुझसे एक दर्जा नीचे हो, एक कक्षा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का भी ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था कि लोग आठवां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। जो बड़े भाई साहब थे वो छोटे भाई को समझा रहे हैं कि तुम अब आठवीं कक्षा में आ गए हो, तुम छोटी कक्षा में नहीं हो। पहले के जमाने में आठवीं कक्षा के छात्र नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिल चियो मतलब आठवीं पासों को, कि मैं कितने ही आठवीं पास लोगों को जानता हूँ जो आज के अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुपरिंटेंडेंट है। कितने ही आठवीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक है। लेखक कहना चाह रहे हैं कि पहले के जमाने में आठवीं पास करके लोग बड़ी बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाते थे और तुम भी आज आठवीं क्लास में ही हो, इसलिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती मतलब उनकी अधीनता में उनके नीचे काम करते हैं। तुम उसी आठवें दर्जे में आकर बाजारी लड़कों के साथ कनकोए के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कमकली पर दुख होता है। भाई साहब कह रहे हैं कि तुम आठवें दर्जे में आकर भी ऐसे रास्ते में घूमते फिर रहे हो, पतंग के लिए दौड़ रहे हो, यह तुम्हारी कमकल है, अर्थात तुम्हें अब पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। तुम जहीन हो, जहीन मतलब तुम प्रतिभाशाली हो, मेहनती हो, तुम्हारे अंदर बहुत प्रतिभा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वह जहन किस काम का, वह प्रतिभा किस काम की जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होंगे कि मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है। लेकिन यह तुम्हारी गलती है, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। चाहे आज तुम मेरी ही कक्षा में आ जाओ, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें डांटता रहूंगा। और परीक्षकों का भी यही हाल है, तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे बराबर ही हो जाओगे और शायद 1 साल बाद तुम मुझसे आगे निकल जाओ। लेकिन मुझमें और तुम्हें जो 5 साल का अंतर है उसे भगवान भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा ही रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है, जो मुझे अनुभव है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। चाहे तुम एमए और डी फिल और डी लिटी क्यों ना हो जाओ। एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स, डी फिल डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, डीलिट डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती बल्कि दुनिया देखने से आती है। लेखक के बड़े भाई साहब का कहने का मतलब यह है कि जो जीवन में अनुभव होता है वह किताबों को पढ़ने से नहीं आता बल्कि अनुभव देखने से, बड़े होने से, दुनिया को देखने से आता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया, कोई कक्षा पास नहीं की, दादा भी शायद 5वीं 6ठी कक्षा में तक ही गए होंगे।
उसके आगे नहीं गए होंगे, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ ले, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें हमसे ज़्यादा अनुभव है, वो हमसे बड़े हैं। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और हमेशा रहेगा भी। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए, अर्थात कितनी शादियाँ की, आकाश में कितने तारे हैं, यह चाहे उन्हें पता ना हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हम और तुमसे ज्यादा है। देव ना करे, ईश्वर ना करे, आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के अलावा तुम्हें कुछ नहीं सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह अगर दादा होंगे तो वे किसी को तार नहीं देंगे और ना ही घबराएंगे, बल्कि वे पहले खुद मर्ज को पहचान कर पहले खुद बीमारी को पहचानेंगे, फिर उसका इलाज करेंगे। अगर वो सफल नहीं होते हैं तो फिर डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बहुत बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्चा कैसे चलता है। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं, और फिर पैसे पैसे को हम मोहताज हो जाते हैं, नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपने उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है, और कुटुंब का यानी पूरे परिवार का भी उन्होंने पालन किया, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, एमए पास हैं, एमए है कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं ऑक्सफोर्ड के एमए हैं, 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्रियाँ यहाँ पर बेकार हो गई, पहले गुरु घर का इंतजाम खुद करते थे, खर्च पूरा नहीं पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माता जी ने प्रबंध हाथ में ले लिया है, जैसे कि उनके घर में लक्ष्मी आ गई है। तो भाईजान, यह गरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब तुम स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह नहीं चल पाओगे, अगर तुम यो नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही है। मतलब बड़े भाई ने अनुभव के साथ कई सारे तर्क दिए और अपने छोटे भाई को समझाने की कोशिश की। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया कि अब तक तो केवल वो मुझे बड़ा होने का उदाहरण देते थे, आज उन्होंने मुझे अनुभव का भी उदाहरण दिया। मुझे आज सचमुच अपने छोटे होने का, अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हो गई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको सब कुछ कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकोए उड़ाने को मना नहीं करता, मैं पतंग उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन क्या करूँ, खुद अगर गलत राह चलूंगा तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा, तुम्हें कैसे समझाऊंगा, यह कर्तव्य तो मेरे सिर पर ही है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकोआ हमारे ऊपर से गुजरा, उसकी डोर लटक रही थी, लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था, भाई साहब लंबे हैं ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े, मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। तो हमने इस पाठ में पढ़ा कि किस प्रकार से बड़े भाई ने अपने छोटे भाई के सामने अपने आप को दिखाने के लिए, अपना कर्तव्य निभाने के लिए अपनी इच्छाओं का बलिदान कर दिया और अपने छोटे भाई को चीज़ों को सिखाने की कोशिश की। किस प्रकार उन्होंने अनुभव के द्वारा, अपने पढ़ाई के द्वारा उनको सब भाई, छोटे भाई को समझाने की कोशिश की कि तुम्हें भी मेहनत करनी चाहिए, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। थैंक यू।